हेलो गाइस, कांग्रेचुलेशन इंडिया कांग्रेचुलेशन फॉर विनिंग एशिया का। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। सबसे पहले जो तमाशाई उधर इंडियन गए थे और श्रीलंकन, उनको आधे पैसे से वापस करो क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। मुबारक हो T6 लीग इंडिया को। अभी हमने बोले तो 5-6 ओवर लगेंगे और वही 5-6 ओवर का ये मैच था और इंडिया ने कवर। शुभमन गिल और ईशान किशन ने तो धोबी पचाड़ लगाया था भाई। उन्होंने ये बोला, उनका श्रीलंका का कोच बोल रहा था, अबे सालो क्या कर रहे हो। अबे मैंने उनके प्लेयर्स को देखा, वो शक्लें देख रहे हैं, थ्रो भारी चौका होता था बच्चा। अबे क्या खेले हैं अबे श्रीलंका, क्या कहा एशिया कप में इंडिया ने बताया क्या सबसे ज्यादा स्कोर शुभमन गिल का हो गया। और इंडिया ने इस बार बताया कि वो कैसी टीम है, कैसे खेला, कैसे खतरनाक खिलाड़ी है, कैसी खतरनाक टीम है। और बच के रहो इंडिया से, इंडिया ने ये सबको मिलकर बताया और ये चीज प्रूव भी हुई है भाई। ये बहुत गंदा धोया इंडिया ने, प्रूव करके दिखाया उन्होंने। मैंने आज तक कोई टूर्नामेंट का फाइनल इतना गंदे तरीके से किसी टीम को हराते नहीं देखा जो इंडिया ने। श्रीलंका वाले बोल रहे हैं कि ये चीटेंगे, बारिश होनी चाहिए थी, बारिश होगी तब हम खेलेंगे। अबे भाई रिजर्व डे भी था यार, रिजर्व डे भी रिजर्व क्या, अभी मैच शुरू होते ही खत्म हो गया यार, मैच शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। वाकई में सही बात है। सबसे पहले इससे अच्छा था टॉस पे फैसला कर देते, जो जीता टॉस पे। नहीं भाई, टॉस पे श्रीलंका जीत गया था भाई। नहीं वैसे बोल आते ना, कहते कि यार हमने टॉस कर लिया, कौन जीतेगा, बस बात खत्म। अगर इस तरह खेलना था यार। वैसे श्रीलंका सीरियसली, अलेक्जेंडर ने पोस्ट डाली है ना श्रीलंका, आपको आपको पता होगा अलेक्जेंडर बकचोद कौन है, वो इंडिया को बहुत इंडिया के खिलाफ करता है। अच्छा, उधर से उसने पोस्ट डाली है नीचे से एक मुफाडल बोरा कुछ इस तरह नाम है, इंडिया के अकाउंट है, उसने सिराज की इस तरह उंगली उसको डाली है, अलेक्जेंडर की जल कर राग हो गए भाई। 50 ओवर कितने गए, 5-6 ओवरों में बना दिए यार। बोलो यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं, क्या बताऊं यार। इस तरह की क्रिकेट खेली जाती है इंडिया, वो यार मैं सच में बता रहा हूँ, ये अगर पाकिस्तान होता सच में बच गए हम लोग, ये हम बच गए, शुक्र करो पाकिस्तान बच गए, हमारा ये हाल हो जाता अगर, ये तो शुक्र करो, मतलब यही कोई अच्छे कर्म जो है ना हम लोगों ने की होगी बच गए फाइनल में। भाई सही बात, मैंने कहा चलो बॉलिंग में बेस्ती, चलो मैंने कहा बेस्ती होती है, मैंने कहा चलो 50 पे आउट हो गए है ना, बॉलिंग में चलो कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम लगेगा आउट होने में, तीन बॉल में तीन चौके मार गए। मैं वॉशरूम से निकला, इंडिया जीती हुई थी, ये हर टाइम बाथरूम में घुसा रहता है, मैं ये दिल से बात बोल रहा हूँ कि सीरियसली उन्होंने उनका दिल ही नहीं था खेलने का। श्रीलंका ने जो टारगेट दिया ना वो दिल तोड़ गए थे उधर यार। सच सच बताना, कौन मैच देख रहा है तो श्रीलंका आउट था, सही सही बताना। मैं वॉशरूम से निकला, मैं वॉशरूम से निकला हूँ, ईशान किशन और शुभमन गिल चेस कर गए थे। अभी अभी काफी सारा क्राउड अभी स्टेडियम में नहीं आया था, अभी आधा क्राउड तो स्टेडियम में भी नहीं पहुंचा होगा इंडिया का। भाई साहब मैच ही खत्म था, मैं इतना पैसा देखे क्राउड पहुंचे होंगे और उधर जब देखे ये हाल देखोगे तो बोले होंगे लाला दिस टीम पर भाई श्रीलंका। यार वैसे एक बात बताऊं, वेलडम श्रीलंका श्रीलंका पे भाई। यार ऐसा ऐसी गेम सच में मैंने नहीं सोचा था, मैंने 200 स्कोर क्या कहते हैं, 200 स्कोर सीरियसली। पहले लंका कहते हैं हनुमान जी ने लंका को जलाया था, अभी इंडिया के बॉलर से लंका ढा दिया आज भाई, फिर से ये अगर बोला जाता ना T10 लीग से भी कम, T10 लीग भी नहीं थी यार, ये T10 लीग, T6 लीग इसको बोलो, 6 भी पूरा नहीं हो, 7 क्या कह लो यार, चलो T7 पूरा नहीं होगा, 4.4 ओवरों में भाई, 4.4 ओवर में 44 रन पड़े हुए थे, 5 ओवरों में 44 रन पड़े हुए थे, सोचो आप है। T6 लीग चली हुई थी, बहुत गंदा था यार, बहुत। फिर से यार आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यार, श्रीलंका वालों जाके सो, क्या
क्रिकेट में क्या रखा है, क्रिकेट में छोड़ो परे, मजा तो क्रिकेट के, जाओ खाओ पियो जिंदगी, जिन्होंने पैसा जान से कमा रही थी दोबारा जाओ फिर से छुट्टी पैसे इकट्ठा करो, जाओ खाओ पियो यार, ये क्या ये मैच क्या तुम मैच, ये तो तुम घंटे की छुट्टी लेकर आते पूरा हो गया आज श्रीलंका के। मैं सोच रहा हूँ श्रीलंका ने सोचा क्या था पहले टॉस करके पहले बैटिंग करने का। यार मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं, देखो मजाक शजाक कर रहे हैं प्लीज नाराज ना होना, आज पता है श्रीलंका के जो ऑडियंस उधर आई थी, जो क्राउड आया हुआ था, वो भी कह रहा होगा कि इससे बेहतर था हम कहीं चली जाते तो ठीक था, सही अगर इस तरह अगर था होता तो सही था यार। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।